तो दोस्तों एक और न्यू वीडियो में आप सबका जो है ना स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखिए हम जो है ना देखिए फिर एक बार प्ले करने वाले हैं झंडी मुंडा गेम को। और यहाँ पे देखिए झंडी मुंडा गेम को हम जो है ना हमेशा की तरह प्ले करने वाले हैं तीन पत्ती मास्टर एप्लीकेशन में। तो तीन पत्ती मास्टर एप्लीकेशन का लिंक देखिए आपको सबसे पहले तो मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अभी चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन को आप जैसे ही स्टार्ट करोगे उसके बाद करोगे तो आपको जो है ना यहाँ पे सिंपल से देखिए 10 रुपीज है तो 20 रुपीज का बोनस कैश मिलेगा। उसके बाद देखिए जो भी रेफरेंस का पेज आएगा उसे जो है ना आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन में जो है ना आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है ना एड मनी करना पड़ता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे एड मनी भी कर सकते हो। एड मनी करने के लिए सिंपल से आप एड के ऊपर टैप कीजिए, उसके बाद मिनिमम यहाँ पे एड मनी आप चेक कर सकते हो 300 रुपीज है। यहाँ पे आप अदर अमाउंट भी चेक कर सकते हो। तो देखिए उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं आपको विड्रॉल रिकॉर्ड भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। इस एप्लीकेशन से जो है ना मैंने कल के दिन ही विड्रॉ किए थे, आप यहाँ पे देख सकते हो 500 रुपीज, 1000 रुपीज, उसके बाद 300 रुपीज। और यहाँ पे देखिए इनका जो भी देखिए पेटीएम बैंक का पेमेंट प्रूफ होगा वो भी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, तो आप जो है ना वहां से सिंपल से देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में देखिए मैं जो है ना आपको दिखाने वाला हूँ झंडी मुंडा का जो है ना एक गेम प्ले। उसमें देखिए मैंने जो है ना देखिए दोनों जो हमारे तरीके है ना उनको कंबाइन करके गेम को प्ले किया है। तो देखिए वीडियो को जरूर से कंप्लीट वॉच कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि यहाँ पे देखिए अगर आपको देखिए मेरा तरीका पसंद आता है तो आप जो है ना इस तरीके से प्ले कीजिए। अदरवाइज देखिए आपको जो है ना आपके हिसाब से गेम को और बेटर प्ले करना आता है तो आप जो है ना आपके हिसाब से भी गेम को प्ले कर सकते हो। अभी चलिए दोस्तों यहाँ पे हम झंडी मुंडा गेम को सकते हो। मेरा बैलेंस जो है ना 800 रुपीज है। तो अभी जो है ना यहाँ पे हम सिंपल से देखिए झंडी मुंडा गेम को जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना एप्लीकेशन में देखिए अगर आपको झंडी मुंडा गेम को प्ले करना है ना तो मिनिमम हमें अकाउंट में जो है ना 100 रुपीज हमारे होना चाहिए। तो अभी देख सकते हो मैंने जो है ना गेम को स्टार्ट किया और आप देख सकते हो मैंने सिंपल से देखिए जो भी रिपीटेशन वाला तरीका है ना उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट 50-50 रुपीज का कर दिया। क्योंकि देखिए दोनों सिंबल जो है ना एक ही टाइम पे आए थे, आप देख सकते हो चेड भी आ चुका है और पान भी आ चुका है, 100 रुपीज का हमें मिल चुका है 300 रुपीज। अभी देखिए फिर एक बार यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आया चेड, उसी के साथ आया पान, उसी के साथ यहाँ पे आया मुंडा। तो इस राउंड में देखिए हम जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट लाइक देखिए यहाँ पे कर सकते हैं मुंडा के ऊपर। अगर हम देखिए ओनली रिपीटेशन को देखिए तो यहाँ पे जो है ना मैं सिंपल से देखिए इसी जो सिंबल के ऊपर जो है ना अपना इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ और देख सकते हो इस बार यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे आ चुका है ओनली एक ही सिंबल, लाइक देखिए एक ही सिंबल विन हुआ जो कि है पान का। तो अभी सिंपल से देखिए हम जो है ना पलट के हिसाब से प्ले करेंगे। तो पान का देखिए पलट रहता है हुकुम और ईटा, तो हम जो है ना दोनों के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो अभी देखिए मैं जो है ना अमाउंट को सिलेक्ट करता हूँ और अब देख सकते हो 100 रुपीज करके दोनों के ऊपर जो है ना मैंने लगा दिया है और देख सकते हो यहाँ पे मेरा लॉस हो चुका है। तो देखिए लॉस हुआ तो कोई भी बात नहीं, इसके अगले वाले राउंड में जो है ना हम जो है ना कुछ और अमाउंट को इंक्रीज करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ना मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। देखिए चेड आया है तो चेड के हिसाब से जो है ना मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा ईट और पान के ऊपर। और यहाँ पर जो है ना अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। देख सकते हो मैंने जो है ना 220 रुपीज करके जो है ना दोनों सिंबल के ऊपर लगा दिए है और देख सकते हो यहाँ पे 3 सिंबल आ चुके हैं ईट के और यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो 1100 रुपीज हमें मिल चुके हैं। आप देख सकते हो जो भी लॉस था वो जो है ना एक ही राउंड में हमारा कवर हो चुका है। अभी यहाँ पे देखिए मैं सिंपल से क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा। आप देख सकते हो ओनली ईट आया है तो यहाँ पे मैं देखिए इन्वेस्टमेंट करना आसान है पलट के हिसाब से। तो सिंपल से हम पलट के हिसाब से चीड़ और पान के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इस बार मैंने रिपीटेशन को नहीं लिया था। अभी देखिए इसके अगले वाले राउंड में भी जो है ना यहाँ पे मैं देखिए रिपीटेशन के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो सिंपल से मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा मुंडा का पलट, झंडी और लाल पान के ऊपर। और देखिए जब भी देखिए दो सिंबल आएंगे लाइक देखिए यहाँ पे मैं आपको आगे जाके बताऊंगा किस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। अभी देखिए फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने पलट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है और देख सकते हो इन्वेस्टमेंट मैंने किया, दोनों सिंबल हमारे आ चुके हैं लाइव। आप यहाँ पे अर्निंग देख सकते हो 1800 रुपीज जो है ना हमारे अकाउंट में हो चुके हैं। तो इस तरीके से देखिए अगर आप विन करोगे ना तो आप सिंपल से गेम को बैक करके जो है ना विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके लिए लाइक देखिए आप जो है ना देखिए ज्यादा देर प्ले करो ऐसा जो है ना मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। आप देखिए मिनिमम प्ले करोगे 5 से 10 मिनट फिर भी जो है ना आप यहाँ पे अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हो। अभी देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस बार देखिए दोनों सिंबल जो है ना लास्ट टाइम आए थे। तो देखिए हमने जो है ना इस तरीके से देखिए जब भी देखिए 2 या 3 सिंबल आएंगे और देख सकते हो दोनों जो है ना ओनली सिंगल टाइम विन हुए थे। तो देखिए मैंने सिंपल से जो भी
रिपीटेशन के तरीके से हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस हिसाब से हमने अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। अभी देख सकते हो यहाँ पे इस बार मैंने क्या किया है, फिर एक बार देखिए यहाँ पे लाइक देखिए कौन सा सिंबल का पलट हम यहाँ पे यूज करें। इसके बजाय देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल से देखिए दोनों को जो है ना रिपीट ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे आ चुका है पान, तो पान के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना इजी है, हुकुम और ईटा तो दोनों के ऊपर मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे अभी आप देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम विन करते हैं या तो यहाँ पे हम लॉस करते हैं। तो सिंपल से जो है ना यहाँ पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ इस बार, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो हुकुम है ना काफी देर से नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से देखिए जब भी सिंबल नहीं आता है तो देखिए काफी ज्यादा कम चांसेस है कि वो जो है ना उसके अगले वाले राउंड भी जो है ना आते रहे हैं। तो अभी देख सकते हो फिर एक बार जो है ना यहाँ पे चीड़ आया है, तो चीड़ के बाद देखिए चांसेस रहता है ईटा और पान का, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना मैं अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो है ना अच्छे तरीके से अमाउंट विन हो चुका हूँ। तो यहाँ पे अभी देखिए मुझे जो है ना इतना कुछ ज्यादा प्ले करने की जरूरत नहीं लग रही है। तो अभी देखिए मैं जो है ना यहाँ पे गेम को बैक कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जो है ना आप देखिए झंडी मुंडा गेम को प्ले कर सकते हो और यहाँ पर जो है ना आप सिंपल से अर्निंग वाले डिस्क्रिप्शन में आप वहां से सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम मिलते हैं अगले किसी न्यू वीडियो में अगले किसी न्यू तरीके के साथ। थैंक यू।